वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन के भरते की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी और बनाने में बहुत आसान होता है। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैंगन को भून लेंगे। सबसे पहले हम बैंगन पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ये मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं। अब इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि हमारे बैंगन अच्छे से भून जाएं। जब तक हमारा बैंगन भून रहा है, हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने बारीक बारीक तीन प्याज लिए हैं, टमाटर लिए हैं, लहसुन लिया है, हरी मिर्च, धनिया और थोड़े से मटर लिए हैं। पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन डालेंगे, अब प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने तब तक पकाना है जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए। देखिए हमारा बैंगन अच्छे से भून चुका है। इसको साथ में ही हम पानी में डाल देंगे ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। प्याज भूनते भूनते हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें हम हरा मटर डाल देंगे ताकि हमारा मटर अच्छे से गल जाए। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम अभी भून लेंगे। जब तक देखिए कितनी आसानी से हमारा छिलका निकल रहा है। मटर हमारे नरम हो चुके हैं और प्याज भी हमारे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। हम साथ में ही टमाटर डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाएं और जल्दी से पक जाएं। देखिए टमाटर हमारे गल, इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। सब्जी मसाला, लाल मिर्च। देखिए हमारा मसाला और घी अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा तड़का अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम बैंगन डालेंगे जो हमने भून कर रखे हैं और इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा भरता बनकर रेडी है। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अगर मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।